So guys, अभी आपने जो वीडियो देखी, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी वीडियो कैसे बनाएं, तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता लगेगा कि ऐसी वीडियो को हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्मार्टफोन अपने आप को शूट करने के लिए और एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं इस वीडियो में प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, पर आफ्टर इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे तो उससे थोड़ी मास्टरिंग मेरा बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट किया था वो आफ्टर इफेक्ट्स से किया था, बट देन मेरे को लगा कि प्रीमियर प्रो से भी हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में ईजी सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो की बात करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसे कैसे करना है। तो डायरेक्टली इस वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइज, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक फ़ोन। फ़ोन में क्या करना है, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है नॉर्मल, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रख के ऐसे मतलब, और ये आप कोई भी नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप अपने फ़ोन में ऑटो रोटेशन ऑन करिए इधर लिया, उसके बाद आप अपने फ़ोन में ऑटो रोटेशन ऑन करिए और इसे इस तरह से कर लीजिए। अब आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपकी 6:9 की वीडियो, मान लो ऐसी जो वीडियो है, वो आपकी स्क्रीन पर कितना स्पेस लेगी। सो गाइस, ये ऐसी है आपकी 6:9 की वीडियो जो है, इतने उस पर आएगी। तो आपको क्या करना है, फॉर अ रेफरेंस आप यहाँ पर टेप लगा लीजिए, यहाँ पर एक लग गई है ये। तो गाइज, ऐसे टेप लगाने के बाद आपका फ़ोन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कैमरा ओपन करना है और वीडियो मोड में जाना है, और आपको वीडियो बनानी है लैंडस्केप मोड में, ना कि पोर्ट्रेट में। ऐसे आपको वीडियो नहीं बनानी है, ऐसे बनानी है और अज्यूम करना है कि आपकी जो वीडियो है इतने पोर्शन में आएगी, जो आपका जो हमारा बंदा था जो कि चीयर्स कर रहा था फ़ोन के अंदर से, वो अज्यूम करना है आपको इतने सेक्शन में ही आएगा, इससे बाहर नहीं रखना है। एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जिसमें आप शेयर कर रहे हो, मतलब चेयर्स कर रहे हो, आपको एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपका जैसे पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा, मतलब एक हाथ में आपके फ़ोन है और एक हाथ से आप चेयर्स करोगे, ऐसे करके आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उसको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से ही करनी होगी है, या फिर आप ऐसा एक कैमरा यूज़ कर सकते हो ट्राईपॉड लगा के। तो एक कैमरे पर ट्राईपॉड लगा लिया है मैंने, सॉरी ट्राईपॉड पर कैमरा लगा लिया है मैंने, और इसे हम ऐसे सेटअप करेंगे कि हमारा यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू दिखे। अब यहाँ से हम जब शूट करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, जिसमें एक साइड हमारा हाथ होगा कैमरे में और दूसरी साइड से हमें चेयर्स करना है। ये वाले भी आप 3-4 शॉट्स ले लीजिए, ताकि आपको पता लगता कौन सा शॉट बढ़िया होगा कौन सा बेकार होगा, बट एज अ बैकअप आपको 3-4 शॉट ले लीजिए जो आपको परफेक्ट लगे, उसको आप एडिटिंग में यूज़ कर लेना। आपको वही नॉर्मल रखना है, हाथ ऐसे रखना है और चेयर्स करना है इस फ़ोन से, थोड़ा एंगल ऐसे रखना फ़ोन का कि आपके हाथ की साइड हो, ताकि आपको लगे कि आप फेस टाइम या वीडियो कॉल जैसी चीज़ कर रहे हो, और इस हाथ से चेयर करना। अब यहाँ पर ये कैमरा है, बट आप कैमरे की जगह फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और ट्राईपोड की जगह आप किसी और पर्सन को कह सकते हो कि यहाँ पर आपके फ़ोन पकड़ ले, क्योंकि हर किसी के पास ट्राईपोड अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए आप फ़ोन से ही रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि कैमरे में क्या होता है, डेप्थ का फ़र्क पड़ता है, फोकस डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, तो वो उतना मज़ा नहीं आता। हालाँकि मैंने कैमरे से ही रिकॉर्ड की है, बट आप फ़ोन से रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोन से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। सो स्टार्ट करेंगे प्रीमियर प्रो में, और प्रीमियर प्रो में सबसे पहले हम अपनी जो ग्लास वाली फुटेज है उसमें से मेन पार्ट निकाल लेंगे, अपना बेस्ट शॉट निकाल लेंगे और उससे एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये कुछ 4-4 सेकंड का सीक्वेंस निकाल लिया है, और इसमें अब हम जूम करेंगे और इस फ़ोन की स्क्रीन को मास्क आउट करेंगे। मास्क आउट करने के लिए आप इफेक्ट कंट्रोल में जाइए, ओपेसिटी के अंदर आप पेन वाले बटन पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पर उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर मास्क क्रिएट कीजिए। मास्क क्रिएट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप सिंगल टैप कीजिए, एक डॉट क्लिक होगा, उसके बाद सेकंड डॉट पर क्लिक करके उसको होल्ड करे करे खींचिए, ताकि वो कर्व शेप में आ जाए। उसके बाद कर्व शेप में आने के बाद थोड़ी मास्किंग के बारे में आपको पता ही है, वो आ गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ऐसे करके आप पूरी बाउंड्री पे मास्क बना दीजिए। उसके बाद आप मास्क ट्रैकिंग कीजिए, जिसके लिए आप मास्क पाथ के अंदर जो प्ले वाला बटन है जैसा दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, उसका मतलब है मास्क फॉरवर्ड, वो जो है आपके पूरे मास्क को ट्रैक कर लेगा और आपकी प्रॉपर फ़ोन की ट्रैकिंग हो जाएगी, जिसकी मदद से आपकी फ़ोन की स्क्रीन की रिप्लेसमेंट रेडी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जो हमारा बंदा होगा उसको जो है प्लेस करना है, तो उस फुटेज को हम अपनी जो मेन फुटेज थी उसके नीचे प्लेस करेंगे और प्रॉपर प्लेसमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है प्लेसमेंट
इसीलिए मैंने कहा था कि टेप लगाकर आप अच्छी तरह स्केलिंग कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी फुटेज है थोड़ी सी छोटी बनी है एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, तो इसीलिए मेरे को एक और फुटेज नीचे डाल के उसे ब्लर करना पड़ा, पर जो मेरी दूसरी वाली फुटेज है वो सही रिकॉर्ड हुई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर मेरे को दो फुटेज यूज़ करनी पड़ी है, बट जो दूसरी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मेरे को एक ही यूज़ करनी पड़ी थी जो कि प्रॉपर स्क्रीन में फिट हो रही थी। अब जो ये फुटेज रेडी हो गई है जो हमारी नीचे वाली है, इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली को आप ऑफ कर दीजिए आई बटन पे क्लिक करके, और सबसे नीचे वाले को भी ऑफ कर दीजिए। अब जो बीच वाली है इसमें हमारे ग्लास और हमारे हैंड दोनों को ट्रेस आउट करना है। ट्रेस आउट करने के लिए वही सेम हम मास्क बनाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो मास्क, और ये मास्क थोड़ा सा प्रिसाइज बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मास्क जितना प्रिसाइज होगा उतना आपका इफेक्ट निखर के बाहर आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं पॉइंट्स छोटे छोटे यूज़ कर रहा हूँ ताकि इस मास्क को प्रॉपर अच्छा बना सकूँ। मास्क फैदर मैंने अराउंड 12 रखा है। अभी मास्क तो बन गया बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी सबसे लंबा प्रोसीजर चालू हुआ है। हमें क्या करना है, फ्रेम बाय फ्रेम जाके मास्क की ट्रैकिंग करनी है। अब फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप हर फ्रेम में जाओ, कुछ फ्रेम शिफ्ट हो जाओ उसके बाद उस मास्क की ट्रैकिंग कर दो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने जूम कर लिया है वापस अपनी स्क्रीन में, और आप देख सकते हो यहाँ पर मास्क आ रहा है। अब थोड़ा सा हम टाइम को जो हमारा प्ले हेड है उसको पीछे करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हाथ यहाँ पर नीचे जा चुका है पर मास्क वहीं पर है। मास्क पाथ में जो स्टॉप वॉच है उस पर क्लिक, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कर रखा है ऑलरेडी, जिसकी मदद से पिछले वाले की फ्रेम बन गया था। वहाँ से अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और मास्क को एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर तो मास्क एडजस्ट हो गया, बट आगे आने वाले फ्रेम में जब हाथ आपका पीछे जाएगा तो मास्क को हमें श्रिंक भी करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मास्क तो आ गया बट अब ग्लास और हाथ छोटा हो गया क्योंकि थोड़ा पीछे गया है। तो आपको मास्क का हर एक डॉट एडजस्ट करना पड़ेगा जूम करके जूम आउट करके। आप मेहनत कीजिए, यही जो मेन चीज़ है आपकी, मास्क आपका प्रॉपर होना चाहिए तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं मास्क के अंदर ही पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मास्क के अंदर ही मैंने सारे की फ्रेम एडजस्ट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हर थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद या की फ्रेम्स के बाद मैं मास्क एडजस्ट कर रहा हूँ, और मैंने प्रॉपर कुछ 3-4 सेकंड के अंदर मास्क की ट्रैकिंग कर दी। अब ये मास्क की ट्रैकिंग मैंने पूरी लास्ट तक नहीं की, केवल वहीं तक की जहाँ से मैं चाहता हूँ मेरा हाथ बाहर निकले, तो उसी के अंदर हमने मास्क की ट्रैकिंग की है। अब सेम लेयर को हमें ऊपर लेके जाना है जो हमने बनाई है, उसको ओल्ड करके ऊपर ले जाइए और नीचे वाली में से आप मास्क डिलीट कर दीजिए। अब जो हैंड है हमारा वो ऊपर आ गया है, अब हम इसे बड़ा करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम बनाया पीछे, और जो आगे करके हमने ग्लास को बड़ा कर दिया, हैंड को बड़ा कर दिया ताकि वो लगे फ़ोन से बाहर आ रखा है हैंड। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर हमें इफेक्ट अच्छा मिल रहा है कि हमारा जो हाथ है वो फ़ोन से बाहर आ रखा है, और साथ साथ पोजिशन और स्केल में जो आप इफेक्ट कंट्रोल्स वाला पैनल है वहाँ पर देख सकते हो हमारे की फ्रेम भी रेडी है, जिसकी मदद से एकदम से हमारा हाथ बाहर आते हुए दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये अच्छा ट्रांजिशन बन गया है, बट ये ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं है और काफ़ी स्लो लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट है वहाँ पर हमारी सारी फुटेज को कट कर देंगे, और कट करने के बाद जहाँ पर ये ट्रांजिशन हमारा ख़त्म है लाइक यहाँ पर ख़त्म है, यहाँ पर भी हमारे सारे फुटेज को कट कर देंगे, चारों के चारों को। आपकी 3 भी हो सकती है अगर आपने सही काम किया होगा, मेरी तरह गलती नहीं करी होगी, बट स्टिल सबको कट करने के बाद हमें जो बाकी सारे फुटेज है उन्हें डिलीट कर देना है, और जो हमारी ये वाली फुटेज थी जो हमने कट करके निकाली थी उसको टाइम फास्ट कर देना है। मतलब सबको सेलेक्ट कीजिए आर पे क्लिक कीजिए और इनका टाइम कम कर दीजिए। ये करने के बाद आपकी ये तैयार हो जाएगी। अब इस पर सारी फुटेज को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एन पे और राइट क्लिक करके नेस्टेड सीक्वेंस क्रिएट कीजिए। नेस्टेड सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद ऑल्ट होल्ड करे क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिए ताकि सेम इसका डुप्लीकेट आप बना सके, और सेम डुप्लीकेट बनने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए जो नेस्टेड सीक्वेंस 2 है, और उसके अंदर आप रिवर्स फिट कीजिए। अब यहाँ पर वो इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि स्क्रीन कैप्चर ने पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं किया, बट आप नेस्टेड सीक्वेंस देख सकते हो वहाँ पर -100 स्पीड है, जिसका मतलब ये है कि वो रिवर्स स्पीड में चल रहा है। तो आपका एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है। इसके बाद आप आर्टिफैक्ट्स डाल सकते हो जैसे कि मैंने डाले हैं, और ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है आप इसे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा केवल 2-3 स्टेप से और इजी एडिटिंग और मास्किंग से हम ऐसी बहुत ही बढ़िया वीडियो बना सकते हैं, और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी ऐसी बढ़िया वीडियोस जो कि एक एडिटिंग के ऊपर या फिर टेक बेस्ड वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।